हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे मक्की के आटे से सुपर क्रिस्पी कचौरी, जो खाने में बड़ी डिलीशियस लगती है। और एक बार आपने इसको बना के खा ली तो हर बार बनाकर आप खाएंगे। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। तो चलिए आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और बनाना शुरू करते हैं सुपर क्रिस्पी सुपर हेल्दी मक्की के आटे से बनी कचौरी। सबसे पहले बनाते हैं स्टफिंग कचौरी की। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालते हैं हम एक छोटा चम्मच तेल, और तेल को होने देते हैं गरम। तेल गरम होने के साथ ही 1 टेबल स्पून राई के दाने डालेंगे इसमें। ये तिल का तेल है इसलिए इसमें झागा रहे। इसमें डाल देंगे हम करीब 2 प्याज मीडियम साइज की, बारीक नहीं काटनी है, बारीक से थोड़ा सा आपको मोटा साइज काटना है। थोड़ा सा प्याज को स्टर करते हैं, हल्का सा प्याज को स्टर करने के बाद में इसमें डालेंगे हम करीब 7 से 8 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और आप मिर्च यहाँ पर 3 या 4, 2 जैसा आप खाते वैसे ही डाल सकते हैं। तो यहाँ मिर्ची को भी इसमें थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेते हैं। अब साथ में इसमें हम डालेंगे ये पत्ते वाला लहसुन 8 से 10 कलियाँ लंबी वाली, और ये मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ डालेंगे हम 2 टमाटर, इसमें से आप इस तरीके से बीज का पार्ट निकाल दें, ठीक है, और ऊपर ऊपर का जो पार्ट है बारीक बारीक काट लें। ये डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा इसे भी स्टर करते हैं हम। यहाँ डालते हैं हम करीब 4 मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, साथ में डालेंगे नमक आप इसे स्वाद अनुसार, मैं ले रहा हूँ 1 टीस्पून, साथ में डालेंगे इसमें हल्दी करीब 1/4 टीस्पून, और थोड़ी सी लाल मिर्च बस इतनी, और मिक्स कर लेते हैं एक बार मसाले। तो अच्छे से मसाले मिला लिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू। ये 4 आलू लिए मैंने, और ये थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे, तो इनको मिक्स कर लेते हैं इसमें हम। या थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम नमक 1 टीस्पून ही, इसमें काला नमक डालेंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ में 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम भुने हुए जीरे का पाउडर। मिक्स कर लेते हैं, और आपके पास जो नहीं हो सामान, ये अगर जीरा पाउडर और अजवाइन पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मिलाते हैं इसको, इस तरीके से मैश कर लेना है। आलू बड़े बड़े नहीं रहने चाहिए इसमें, अच्छे से इस तरीके से मैश कर लें इसे। और इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ धनिया, और इसको मिला लेते हैं अच्छे से, इसे मैश कर लेते हैं इसको। तो अच्छे से धनिया भी मिला लिया है और आलूओं को भी अच्छे से मैश कर लिया है, और अब इसको थोड़ा सा रखते हैं हम गैस करते हैं बंद, और इसे करते हैं ठंडा और बनाते हैं कचौरी का डो। यहाँ पर हमने ले लिया 200 ग्राम मक्की का आटा, और ये हमने नाप के लिया है, और यहाँ पर डालते हैं हम इसके अंदर करीब 70 से 80 ग्राम सूजी। तो ये देखिए सूजी किस तरीके से डालनी है, ऐसे नाप के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको बस अगर नहीं हो वजन तोलने का, तो 1, 2, 3 और 4 चम्मच, यानी कि 5 चम्मच के आसपास आपको ये सूजी लेनी है, जो घर में चम्मच होती है। और यहीं पे मैदा डालेंगे हम करीब 50 ग्राम, तो आपको नाप नहीं बनता है तो ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच और ये 4 चम्मच, भर भर के 4 चम्मच मैदा ले लेना है। इसमें डालते हैं हम करीब 1 टेबल स्पून तिल, सफ़ेद तिल डालते हैं। साथ में इसमें हम डालते हैं नमक, तो लिटिल बिट नमक डाल देते हैं, आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, नमक ज़्यादा ना डालें। और यहाँ 1 टीस्पून ही हल्दी डाल देते हैं अच्छा सा कलर देने के लिए, और ये हेल्दी भी होती है। बस एक बार मिक्स कर लेते हैं सभी को, इसे मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं, और इसका डो लगाते टाइम आप इससे अच्छे से पानी, जो मक्की है काफ़ी पानी सोख करती है, तो ये इसको मिलाया, फिर थोड़ा सा पानी और डाला, अपनी रिक्वायर के हिसाब से आप पानी डालते जाएं। और इसका डो बनाना है हमें टाइट, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, तो इसको अच्छे से मथना है आपको, अच्छे से मथना है, ठीक। तो इसे आपको 5 मिनट देने ही देने हैं कैसे भी करके, और इसे गूंथने ना तो उस तरीके से गूंथना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी इस तरीके से डाल देते हैं हम,
बस, क्योंकि सूजी है और मक्की का आटा है, ये पानी काफ़ी सोख करते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ हो गए हैं 15 मिनट और हमने ये बॉल बना के रख ली है स्टफिंग की। तो ये ढक्कन हटाते हैं और इसमें डालते हैं हम करीब 2 चम्मच गेहूं का आटा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लगा लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इसके साथ 5 मिनट। क्या करते हैं, आटा ये थोड़ा जो मक्की का आटा है वो थोड़ा ज़्यादा चिपकता है, तो इस पर थोड़ा सा तेल हम इस तरीके से डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारे हाथों के लगा लेंगे इस तरीके से। तेल हाथों के लगा लें और इसकी कचौरी की जितनी लोई तोड़ लेते हैं। तो ये एक, ये दो, तो ये हमने तोड़ लिए सारे। अब क्या करते हैं, इसे लेते हैं और इसे रब करते हैं इस तरीके से हाथों के बीच में, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं। और ये इस तरीके से करने के बाद इसे इस तरीके से इसमें जगह करते हैं इस तरीके से। अब उठाएंगे हम इसमें स्टफिंग, इस तरीके से स्टफिंग का एक बाउल इसमें डाल देंगे बॉल, और हाथ साफ कर लेंगे एक बार, इसे दबा देंगे और फिर हाथ साफ कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ हम दबाएंगे। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ दबाएंगे, फिर हमें ये मसाला अंदर दबाना है, हाथ साफ करना है, फिर इसे इस तरीके से सील कर देना है। और ये एक बार इस तरीके से, ये अब इस तरीके से प्रेस करना है इसे धीरे धीरे। ये तो ये देखिए बना लिए, इसी तरीके से सारी बना लेंगे हम, देखिए, और इसे रख देते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर आप है ना एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे लोई ले लिया आपने और इसे इस तरीके से इसके कर दें 2 पीस, ये देखिए, और फिर इसको इस तरीके से रब करें और इसे इस तरीके से बेल लें हाथ से, इस तरीके से इसे बड़ा कर लें अच्छे से। तो ये इसको हमने बड़ा कर लिया है और इसको भी इस तरीके से रब कर कर और इसे भी हम इस तरीके से फैला लेते हैं। ये देखिए इसको भी हमने फैला लिया। अब क्या करेंगे, इस पे इस तरीके से स्टफिंग की बाउल रखेंगे, एक बार इसे दबाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से दबा देंगे और हाथ साफ करके ये वाली इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और ये किनारियां इस तरीके से बंद कर देंगे और इसे बीच में से भी थोड़ा सा दबा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये अच्छे से आप को यहाँ से दबानी, नहीं तो ये फटने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, किनारे भी इसमें क्या नाम पतली रहेगी और काफ़ी कुरकुरी भी बनेगी, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने 4 तो बना लिए है, देखिए, तो ये यहाँ पर हमने सारी तैयार कर ली है। गैस पे हमने तेल भी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए और तेल भी काफ़ी अच्छे से गरम हो गया है। तो ज़्यादा गरम नहीं करना तेल को, और गैस को, तेल को ठीक ठाक गरम करने के बाद आपको गैस कर देनी है मीडियम लो फ्लेम पर। तो अब यहाँ पर हम इसमें 2 ही कचौरी एक बार में करेंगे, तो पहली हम ऐड कर देते हैं और दूसरी, 4 हो सकती है वैसे, हम 2 करने वाले हैं। अब इनको ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई होने देंगे 1 मिनट करीब, थोड़ी देर बाद अब इनको हल्का सा ऐसे हिला दें और एक बार पलट दें इन्हें। हम इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं। तो एक बार में हम 4 डालते हैं या 2 डालते हैं, पर टाइम 5 से 6 मिनट लगना ही लगना है इनको इस तरीके से। देखिए मैं दिखाता हूँ, अब ये तैयार हो चुकी है, देखिए किनारी इसकी, ये किनारी अच्छे से पक गई है। और अभी और भी आप गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन ये अब हो गई है और देखिए कितने अच्छे से फूल गई है कचौरी। और अभी इसको हम निकाल लेते हैं। तो अब क्या करते हैं हम, ये हमने जो अलग तरीके से बनाई थी, ये 2 बनाई थी अलग तरीके से, इनको भी हम फ्राई करके आपको दिखा देते हैं। तो ये पहली और ये दूसरी, अब इनको थोड़ा सा हम हिला देंगे, क्योंकि नीचे ये कढ़ाई जो है, क्योंकि जो हलवाइयों की कढ़ाई होती है वो होती है गहरी और ये है प्लेन, तो इससे क्या है, ये नीचे तलवे में बैठ जाती हैं, उससे ये थोड़ा सा फूलने में भी प्रॉब्लम करती है। और दूसरा ये नीचे से जल भी जाती है। तो ये इसको अब एक बार पलट लेते हैं हम, ये देखिए नीचे से, नीचे तले में जाके ये
तला सबसे ज़्यादा गर्म होता है वहाँ जाके, ये देखिए। और ये अच्छे से और ज़्यादा, ये देखिए और अच्छे से फूली है ये, और ये कच्ची भी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो हमने इसको करीब 3 बार पलटा है, ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से कचौरी जैसी फूल गई है बिल्कुल, ये देखिए। और मुँह में पानी आया ना आपके, थोड़ा सा और इसे हम कर लेते हैं, एक बार और पलट लेते हैं। ये तो नीचे से अच्छे से हो गई है, थोड़ा सा इसे भी नीचे से इस तरफ से कर लेते हैं हम। तो अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और बाकी सारी इसी तरीके से आपको मैंने बता दिया है फ्राई करनी है, तो कर लेते हैं हम बाकी भी फ्राई, इनको निकाल लेते हैं। तो ये हमने 4 भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर ली है, और बहुत ही अच्छे से कचौरियाँ फूल गई हैं। देखिए बढ़िया सा मुँह में पानी आया ना आपके, बनाइए खाइए। और अभी इन्हें निकाल लेते हैं हम, हमने इनको थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी किया है। बस ये थोड़ा सा 5 या 7 मिनट आपको इनके साथ मेहनत करनी है, गैस रखनी है आपको लो फ्लेम पर। तो इनको निकाल लेते हैं और इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स ये बनकर तैयार है सारी कचौरी, एक कचौरी यहाँ पर फ्राई हो रही है लास्ट में बची है जो, और अब मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने अलग स्टाइल से बनाई थी, इसे काटते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी है, तो ये देखिए आपको कहीं से देखने से लग रही है ये कि ये मक्की के आटे की कचौरी है। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, काट के दिखाता हूँ मैं आपको इसको। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ये देखिए गर्मा गर्म कचौरी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स ये सारी बनकर तैयार है, क्रिस्पी कुरकुरी हेल्दी मक्की के आटा कि रोटी। वैसे बच्चे आजकल खाते नहीं है, पर इस तरीके से आप बनाओगे तो खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं मक्की के आटे से बना हुआ। तो फ्रेंड्स दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ चटपटा लाता ही रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है उसे ग्रीन चटनी कड़ी दाल जिसके साथ आप खाना चाहते हैं उसके साथ खा सकते हैं, निचोड़ मोड़ मरोड़ कैसे भी। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया उसे खाकर खत्म करते हैं।